धनु राशि वर्ष 2024 संतान राशि फल। जी हाँ, धनु राशि वाली जो महिलाएं हैं उन्हें 2024 के किस महीने में गर्भधारण हो सकता है, संतान प्राप्ति के योग किस प्रकार से आपके जीवन में बन रहे हैं, क्या 2024 में आपको संतान प्राप्ति होगी और होगी तो किस महीने में आपको गर्भधारण हो सकता है, इस सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको एक ऐसे उपाय के विषय में भी बताऊंगा जिस उपाय को अगर आप करेंगे तो संतान प्राप्ति के लिए आपके योग और भी अच्छे और मजबूत बन जाएंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। अगर बहुत लंबे समय से संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं, संतान का सुख नहीं है और जीवन में संतान के लिए तरस रहे हैं, काफी डॉक्टर्स को दिखा दिया है, काफी इलाज करा लिया है, लेकिन बावजूद उसके संतान नहीं हो पा रही है, तो वर्ष 2024 के कुछ विशेष महीने हैं जो आपको संतान देने के लिए योग बना रहे हैं। अब वो महीने कौन से हैं, क्या उपाय है, इस बात को जानने और समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक बहुत ध्यान से देख लीजिए और जिस दिन आप इस वीडियो को देखें उसी दिन से उपाय करना चालू कर दीजिए। इससे आपको जीवन में संतान से संबंधित आ रही परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। बात करेंगे धनुराशि वाली महिलाओं के विषय में। धनुराशि राशि चक्र के 9वें नंबर की राशि होती है और राशि का स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति, और आपकी जन्म कुंडली और ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष 2024 में संतान के योग आपके लिए अनुकूल है। तीन ऐसे महीने हैं जो आपको गर्भधारण के लिए पावरफुल योग बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी जन्म राशि के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए कि आपकी जन्म राशि के अनुसार अगर पंचम भाव का स्वामी पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में है, या फिर किसी भी प्रकार से संतान देने के योग नहीं दिखा रहा है, तो यह उपाय और यह राशिफल शायद आपके लिए प्रभावी ना हो पाए, लेकिन बावजूद इसके अगर आप उपाय करेंगे तो 100% इस उपाय से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, आपके घर में खुशियां आएंगी और संतान का सुख आपको मिल जाएगा। अब कौन से हैं वो तीन महीने जो आपको संतान देने के लिए अच्छे योग बना रहे हैं, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। वर्ष 2024 ग्रह और गोचर के अनुसार अप्रैल का महीना, उसके बाद अगस्त का महीना और नवंबर का महीना, ये जो तीन महीने हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा योगकारी है रहेंगे, जिसमें आपको गर्भधारण होने का पूर्ण योग बनना नजर आ रहा है और आपको गर्भधारण हो जाएगा, अर्थात आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। लेकिन इस योग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अब आपको उपाय भी करने की जरूरत है, क्योंकि बिना उपाय किए यह योग शायद आपके लिए कार्य ना कर पाए। क्या उपाय है, किस तरह से इस उपाय को करना है, क्या विधि है, इस बात को भी बहुत ध्यान से समझ लीजिए वीडियो को स्किप किए बिना। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही राशिफल यहाँ पर हमेशा मिलता रहता है। साथ ही साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बाबा महाकाल की कृपा आप पर जरूर होगी और कमेंट करेंगे तो बाबा के नाम का स्मरण होगा, तो इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी और संतान के लिए योग आपके जीवन में अच्छे बन जाएंगे। हम बात करते हैं उपाय की, उपाय आपको क्या करना है, तो सबसे अच्छा उपाय है प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें। जो धनुराशि वाली महिलाएं हैं अपने घर में किसी चांदी के पात्र में, चांदी के बर्तन में, या चांदी का बर्तन ना हो तो किसी भी प्रकार के बर्तन में भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद जो जल स्नान का, भगवान का जो स्नान का जल है, उसे अपने हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवायो का मंत्र का जप करके और उस जल का 3 बार आचमन कर लीजिए, बाकी जो जल बचा रहे उसे विसर्जन कर दीजिएगा। इस प्रकार अगर आप नित्य करेंगे उपाय को और भगवान से प्रार्थना करेंगे संतान देने के लिए, तो भगवान की आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी और भगवान के आशीर्वाद से आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, किसी भी प्रकार से उपाय करते समय उस पर शंका ना करें, विश्वास के साथ करेंगे तो जरूर लाभ होगा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाल।